आज की इस वीडियो में आपको बिहार में इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ऑफिशियल नोटिस यहां पर अभी आउट कर दी गई है, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट यहां पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं रखा गया। सभी कैंडिडेट यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले सभी जॉब वैकेंसी के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे केकेएस इंडिया तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ डिटेल्स में आपको एक एक करके बताते हैं। अभी जो है टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से, जिसमें कि अभी प्राइस यहां पर कम हो चुकी है। और ये कूपन कोड अगर आप लगाओगे PKO3PL तो और भी जो है प्राइस यहां पर कम हो जाएंगे। उसके बाद आप यहां पर जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो, पास प्रो या ईयरली मंथली या लाइफ टाइम जो भी आप बाई करना चाहते हैं यहाँ से जरूर से कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बिहार में भी जेई की वैकेंसी आने वाली है, तो आप यहाँ पर बिहार जेई का भी टेस्ट यहाँ पर सीरीज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और जो भी आपका अलग अलग स्टेट जेई यही हो गया या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आने वाले दिनों में RRB जेई होगी, सभी की टेस्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी मॉक टेस्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ऑफर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से यहाँ पर बाय करके यहाँ पर अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके फोन में पहले से होगा तो ये कूपन कोड लगाइएगा PKO3PL तो भी आपका प्राइस जो है कम हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो है अभी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी बिहार में इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री है जिनके पास, तो वो लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार में PHED में अभी वैकेंसी निकली है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि आपको यहाँ पर बिहार के अधीन सहायक अभियंता असैनिक सिविल के पोस्ट पर यहाँ पर 113 वैकेंसी, और सहायक अभियंता यांत्रिक मैकेनिकल के पोस्ट पर यहाँ पर 5 वैकेंसी के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया से कहीं से अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ये जो है BPSC के माध्यम से इसकी फॉर्म्स यहाँ पर फिलअप की जाएगी, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांच कोई दूसरा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन से ब्रांच से आप डिप्लोमा के हैं, कौन से ब्रांच से आप BBTEC के हैं या कौन से ट्रेड से ITI के हैं, ताकि आने वाले जो भी सारी जॉब वैकेंसी की अपडेट आएंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर जो है पोस्ट का नाम है सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसमें कि सिविल वालों के लिए यहाँ पर 113 पोस्ट है और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर ओनली 5 पोस्ट है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर AE की पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर जो है आपको वेतनमान इसकी जो है लेवल 9 ग्रेड पे यहाँ पर 5400 ग्रेड पे पर आपकी यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो इसके लिए भी जो ग्रेड पे होती है इसकी चार्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपकी बेसिक पे कितनी यहाँ पर होगी। ये जो है पे मैट्रिक्स का यहाँ पर 7 CPC के अनुसार से यहाँ पर आपको ये दिया गया चार्ट, जिसमें कि बात करें यहाँ पर लेवल 9 की, और लेवल 9 में आपको ग्रेड पे 54 है। तो इसकी जो यहाँ पर बेसिक पे है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 53,100, ये आपका इसका बेसिक पे है 5400 ग्रेड पे में, जबकि 5400 ग्रेड पे में लेवल 10 में आपकी इसकी 56,100 जाती है। तो ये आपका बेसिक पे है, इसमें आपको TA DA HRA सभी कुछ मिलेगी, पर्क्स एंड बेनिफिट। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी ये आपको 70,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी, आपको इनहैंड सैलरी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपको शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर क्या रखा गया। तो इसमें जो है किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से जो AICTE से अप्रूव्ड हो, सिविल इंजीनियरिंग या आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप डिग्री धारी यानी कि BBTEC कर रखें या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सिविल या मैकेनिकल में, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है UGC, इनसे भी अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी है जो कि मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा अगर कोई डिस्टेंस से कर रखें तो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अभियंत्रण संस्थान जो यहाँ पर समतुल्य यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण हो तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया है यहाँ पर 1 अगस्त 2024 के अनुसार से मिनिमम 21 ईयर आपका एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, जबकि UR कैटेगरी के लिए आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 37 यहाँ पर रखा गया। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला या अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर्स, और यहाँ पर जो है जो भी
वार्धवक के सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। तो यहाँ पर ये एज लिमिट दिया गया, मिनिमम 21 ईयर्स आपका यहाँ पर एज होना चाहिए और मैक्सिमम 37, 40, 42, 60, ये अब अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। चयन का आधार जो है यहाँ पर सहायक अभियंता सिविल या यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, प्राप्त अंक जो भी होगा उनमें, और संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम्स में मार्क आएगा प्लस संविदा के आधार पर अगर आप काम कर रहे होंगे पहले से असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे, तो उस केस में आपको यहाँ पर एक वर्ष का 5 मार्क आपको यहाँ पर दिया जाता है और वो आपको ऐड होगा मेरिट लिस्ट में। लिखित परीक्षा जो है यहाँ पर 6 पत्रों की होगी, जिनमें 4 पत्र अनिवार्य है और 2 पत्र यहाँ पर ऐच्छिक है। प्रथम 4 पत्र सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। 2 ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे जो सिविल अभियंत्रण या आपका मैकेनिकल ब्रांच में से दोनों अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर कंपलसरी और यहाँ पर ऑप्शनल के लिए दिया गया, जो कि अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर्स में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग्स, और इस तरीके से आपको यहाँ पर 25 अंक संविदा पर जो भी काम किया उनको यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप अगर 75% स्कोर करते हो यहाँ पर एग्जाम्स में, 100% स्कोर करते हो तो 75 अंक यहाँ पर माना जाएगा, और 25 अंक अगर आपको आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 साल का 5 अंक, और 5 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा 25 अंक, तो इस तरीके से टोटल 100% पर इस तरीके से सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये आपको लाने होंगे, जो कि है यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी बीसी कैंडिडेट है उनके लिए 36.5%, ईबीसी कैंडिडेट के लिए 34% और एससी एसटी के लिए 32%, ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना आपको लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इससे कम मार्क लाते हो तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। आरक्षण का लाभ जो है जो भी बिहार के मूल निवासी है बस उन्हीं को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यूआर कैटेगरीज में फाइट करेंगे, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको रिजर्वेशन का यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी आपको पे करने होंगे, तो यहाँ पर दिया गया अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक फ़ी के नाम पे यहाँ पर 200 रुपये पे करने होंगे, जबकि आपको ये आपको पे करना होगा शुल्क जो है यहाँ पर 750 रुपये यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद केवल बिहार राज्य के एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 200, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अगर आप आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए भी 200, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए आपको 200, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये आपको ये पे करने होंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप लोग 15/6/2024 से लेकर के आज के डेट से लेकर के यहाँ पर 30/6/2024 के डेट में आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो ये इसका इम्पोर्टेंट डेट है, ज़रूर से इसको ध्यान में रखिएगा, 15/6/2024 से लेकर के 30/6/2024 के बीच में आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं bpsc.nic.in, तो वहाँ पर आप विजिट करोगे तो वहाँ पर सभी कुछ डिटेल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं ये जो है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दिखेगा फॉर इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर दिया गया 32/2024 और 33/2024। अगर आप इसकी सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करके आप इसका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी आपका ब्रांच पेपर होगा आप उसकी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं सिलेबस में ये आपको दिया गया है जो बिहार सरकार के द्वारा पथ निर्माण विभाग के द्वारा नोडल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया, तो इसमें जो भी इनकी सिलेबस वगैरह है और जो भी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर नोटिस वगैरह सभी कुछ यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में ये PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, वहाँ से ज़रूर से ज्वाइन होकर करिएगा, वहाँ पर भी आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस PDF वगैरह मिलती रहेंगी। और ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है जिसमें कि सभी कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जिनसे कि आप यहाँ पर बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनसे कि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो ज़रूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडियन तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं।